हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप किसी भी बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदी या मान्यता प्राप्त विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, डीएलएड के ट्रेनीज हैं और आपकी ड्यूटी बतौर एफआईज यानी फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स के रूप में लगाई गई है, परीक्षा दोस्तों 3 तारीख को होनी है और ये परीक्षा स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे से संबंधित है, जो कि एनसीईआरटी के पूरे देखरेख और निर्देशन में दोस्तों होने जा रही है। इसमें 3 ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उन बच्चों को शामिल किया गया है, कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9, और इन्हीं बच्चों का आपको एक प्रकार का सर्वेक्षण करना है। ये जो भी बुकलेट्स वगैरह हैं वो एनसीईआरटी के गाइडलाइंस और निर्देशन में, वो असेसमेंट के टूल्स हैं, वो पूरी तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, पूरी तरीके से बनाए गए हैं। ये टूल्स असेसमेंट के आपको मिलेंगे। पूरा का पूरा मुझे विश्वास है कि आपका प्रशिक्षण ब्लॉक लेवल पे दोस्तों हो चुका होगा। ब्लॉक लेवल पे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के निर्देशन में, जो कि ब्लॉक लेवल कोऑर्डिनेटर भी हैं, वहाँ पर आपका प्रशिक्षण हुआ होगा। अगर आपका प्रशिक्षण नहीं भी हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने जा रहा है। कक्षा 3 में जो बच्चों का आप सैंपल असेसमेंट करेंगे, जो कक्षा 3 में बच्चों का किसी भी विद्यालय में आप जाएंगे, वहाँ आप ध्यान देंगे कि बच्चों को जो भी बुकलेट बांटेंगे, बच्चे उसको केवल एनसर्कल करेंगे, गोला करेंगे, ओएमआर शीट पे पूरे के पूरे जो गोले को डार्कन करने का काम है शिक्षक का करना है। कक्षा 6 और 9 में दोस्तों ऐसी बात नहीं रहेगी। कक्षा 9 में बच्चे खुद ही रिस्पॉन्स अपना देंगे, कक्षा 6 में भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ गौरतलब बात यह है कि किसी भी विद्यालय में कोई एफआई जाता है तो उसको 3 तरह का क्वेश्चनएयर मिलेगा। एक क्वेश्चनएयर ऐसा रहेगा कि जो कि कक्षा 3 में कक्षा अध्यापक से आप भाषा और गणित से संबंधित फीडबैक लेंगे, विद्यार्थी का तो असेसमेंट आप करेंगे ही, साथ ही साथ उस संस्था के जो प्रधान हैं, हेडमास्टर हैं या हेडमिस्ट्रेस हैं, उनसे भी एक क्वेश्चनएयर आप भरवाएंगे। तो कुल मिलाकर के जब आप फील्ड विजिट करने जाएंगे तो आपको जो पैकेट मिलेगा उसमें तो कुछ बच्चों के आपको डाटा को गैदर करना है, कलेक्ट करना है, उससे संबंधित मामले रहेंगे। तो जो बच्चे आए रहेंगे उन्हीं का आप गैदर करेंगे, जो बच्चे अनुपस्थित रहेंगे उनके पैकेट और उनकी ओएमआर शीट को अलग रख लेंगे। एक पैकेट आप बना लेंगे जिसमें कक्षा अध्यापक का जो फीडबैक रहेगा और संस्था प्रधान यानी प्रधानाध्यापक का फीडबैक रहेगा, और एक पैकेट ऐसा बनेगा जिसमें कि बच्चों का जो डाटा रहेगा पूरा का पूरा उस पैकेट में आप भरेंगे। जो भी कार्य है बड़ी ही जवाबदेही और जिम्मेदारी का है, और इसमें जो भी बच्चों से फीडबैक आपको लेने हैं, कक्षा 3 में तो शिक्षक स्वयं ही भरेंगे, तो ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है, और जो भी प्रविष्टियां भरेंगे उसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही भरेंगे। किसी भी प्रकार का जो लोकल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसका प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर हम बातें करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो परीक्षा होनी है उसमें 3 बुकलेट्स रहेंगी, कक्षा 3 के लिए 3 प्रकार की, कक्षा 6 के लिए 4 प्रकार की। कक्षा 3 3 बुकलेट्स फॉर ग्रेड 3, 3 फॉर ग्रेड 6 एंड 4th फॉर ग्रेड 9। ओके, 3 तरह के जो क्वेश्चन के जो फॉर्म रहेंगे वो कक्षा 3 और 6 के लिए रहेंगे, जबकि 4 तरह के क्वेश्चन फॉर्म कक्षा 9 के लिए रहेंगे। जो असेसमेंट टाइम आपका रहेगा कक्षा 3 का 1 घंटे का रहेगा, कक्षा 6 का 75 मिनट का रहेगा और कक्षा 9 का 90 मिनट का रहेगा। अब जो डाटा कलेक्शन करना है, जो प्रश्नावली का निर्माण रहेगा, उसमें विद्यार्थी प्रश्नावली रहेगी, शिक्षक प्रश्नावली रहेगी और स्कूल प्रश्नावली रहेगी। विद्यार्थी प्रश्नावली जो बच्चों के साथ आप असेसमेंट करेंगे विद्यार्थी प्रश्नावली है, उसी कक्षा का जो कक्षा अध्यापक है भाषा और गणित पे जब उसका फीडबैक लेंगे तो वो टीचर क्वेश्चनएयर है, और उसी विद्यालय के जो हेड टीचर हैं
प्रिंसिपल हैं उनका जब आप क्वेश्चनर भराएंगे तो स्कूल क्वेश्चनर है। अब जो सर्वे होगा वो पेपर बेस्ड अप्रोच विद ओएमआर टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें होगा। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है की फीचर आप जान लीजिए, ग्रेड तीन है यानी कक्षा तीन में, इसमें जो भी क्वेश्चन टेस्ट फॉर्म आपको मिलेगा उसमें जो प्रश्न रहेंगे 40 प्रश्न रहेंगे, 60 मिनट में इसको आपको करना है। और इसमें 31, 32, 33 इस तरीके से रहेगा। एक बच्चा जो 31 रहेगा आप पहले बैठाओगे, फिर 32, 33, फिर 31, 32, 33। ऐसे ही ग्रेड 6 का जो बच्चा रहेगा उसके टेस्ट का फॉर्म रहेगा 61, 62, 63। इसमें यहाँ पे प्रश्न जो रहेंगे 50 रहेंगे, 75 मिनट का रहेगा। और ग्रेड जो 9 रहेगा उसमें 91, 92, 93, 94 इसमें 60 प्रश्न रहेंगे। कक्षा 3 में 40, कक्षा 6 में 50 और कक्षा 9 में 60 प्रश्न रहेंगे, 90 मिनट का ये समय रहेगा। तो ये तो दोस्तों बात हो गई। अब आते हैं और महत्वपूर्ण विषयों पे, थोड़ा आपके साथ विमर्श करते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें। जो अब महत्वपूर्ण बात यही है कि कैसे बच्चे को आप बैठाएंगे, कैसे आप तैयारी करेंगे। यहाँ पे जो पूरा शेड्यूल दिया गया है कि आपको मॉर्निंग में चले जाना है 7 बजे से लेकर के, शेड्यूल पूरा दोस्तों दिख रहा है कि आपका टाइमिंग पूरा का पूरा 5:30 बजे तक का टाइम है। तो पूरा का पूरा आप मान के चलिए होल डे आपको बिजी रहना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे 31, 32, 33 ये कक्षा 3 की बात हो रही है। फिर विद्यार्थी संख्या 1, विद्यार्थी संख्या 2, विद्यार्थी संख्या 3। विद्यार्थी संख्या 1 को 31 की बुकलेट देंगे, विद्यार्थी संख्या 2 को 32 की बुकलेट और विद्यार्थी संख्या 3 को 33 की, और 4 को फिर 31 देंगे, 5 को 32 और 6 को 33। ऐसे इसी क्रम में आप देंगे। बच्चा कोई अनुपस्थित है तो भी आप इसी क्रम को फॉलो करेंगे, बाद में उसकी बुकलेट आप अलग से जमा करेंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कक्षा 3 में 31, 32, 33 और 6 में 61, 62, 63 और उसके बाद 9th में 91, 92, 93, 94 इस रूप में बुकलेट दी जा रही है। ओएमआर शीट कुछ इस तरीके से रहेगी, आप देख पा रहे हैं। स्टूडेंट नेम, स्कूल नेम, ब्लॉक नेम, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम और यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, बुकलेट सेट, स्टूडेंट आईडी, यूडीएस कोड, ये सारी की सारी चीज़ें, स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस और ये पूरी तरीके से डार्किन करना है इसको। यहाँ पे दोस्तों एक बात ये दिया गया है कि डू नॉट अलाउ फील्ड इन्वेस्टिगेटर टू यूज़ देयर डिस्क्रिशन वाइल ट्रांसफरिंग ग्रेड 3 रिस्पॉन्सेज टू द ओएमआर। कोई भी जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर बच्चों का जो रिस्पॉन्स है उसको ओएमआर शीट पे ट्रांसफ़र कर रहा है तो अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करेगा। बच्चा जो का प्रश्न किया है उसी को उसको भरना है। और सैम्पलिंग में दोस्तों यहाँ पे बात जो अब सैम्पलिंग की है जो कि महत्वपूर्ण है, पहले तो स्कूल का जो पिन कोड है उसको आप पूरी तरीके से जोड़ लेंगे। तो स्कूल का पिन कोड जैसे कि राजगढ़ का पिन कोड 230131 है, अगर इसको हम जोड़ते हैं 3251639110, एक डिजिट आ गई, तो हमारे जो एक डिजिट आ गई तो वो एक डिजिट यानी पहला जो बच्चा रजिस्टर पर इनरोल्ड है उसको हम एक बुकलेट दे देंगे 31। फिर दूसरा अगर बच्चे 30 की संख्या में हैं तो दूसरा बच्चा जो है जो रजिस्टर में इनरोल्ड दूसरा बच्चा है 32 दे देंगे, फिर तीसरे को 33 दे देंगे, चौथे को फिर क्या करेंगे फिर 31 दे देंगे। इसी क्रम में आपको देना है। अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे पिन कोड जोड़ने पे 9 आ गया तो रैंडमली आप जो स्कूल रजिस्टर है उसमें 9वें क्रमांक पे जो बच्चा है उसको आप पहला बच्चा मानेंगे। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है।
अब अगर किसी भी विद्यालय में तीन सेक्शन हैं तो सेक्शन ए से एक बच्चे को लेंगे, सेक्शन बी से दूसरे बच्चे को, फिर सी से तीसरे एक बच्चे को, फिर अंत में ए से एक तीसरे बच्चे को। ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि पूरे बच्चे कवर नहीं हो जाते हैं। और अगर बच्चों की संख्या जैसे यहाँ पे दिखाया गया 30 से लेकर के 44 अगर बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 30 से 44 के बीच में है तो एक अंतराल बच्चों के बीच में छोड़ देंगे, यानी पहला बच्चा लेंगे, फिर एक छोड़ करके दूसरा छोड़ कर तीसरा लेंगे, और 45 से 74 के बीच में है तो दो का अंतराल छोड़ेंगे, 75 से 105 के बीच में है तो तीन का अंतराल आप छोड़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया है तो आप बिल्कुल लाइक करें इसे और अपने जैसे दोस्तों तक साझा भी करें ताकि सूचना ज़्यादातर लोगों तक प्रेषित हो सके। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।